आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े भूखे नंगे कंट्री इंडिया की, उस कंट्री की जहां शादियां कम और रेप ज्यादा होते हैं, वो कंट्री जो रिलीजन वायलेंस में चौथे नंबर पर है। हैं कुछ गाय की टट्टी से मसाज करने वाले। आज हम बात करेंगे एक इंडियन रोस्टर की जिसने मुझे रोस्ट किया। तो वीडियो का टाइटल है रिप्लाई टू पाकिस्तानी रोस्टर ओनली टू वन हूतिया नॉट कंट्री रिस्ट्रिक्टेड यूज हेडफोन्स। ओए होए भाई, हैवी रोस्ट वीडियो होने वाली है, हेडफोन्स लगा लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे भौंकते हुए के बारे में जिसकी वीडियो में लॉजिक उसकी अंदर रहता है। जी हम बात करने जा रहे हैं वकस हिजड़े के बारे में। वकस हिजड़ा यार ये सुनने में कैसा लग रहा है, मतलब वकास हिजड़ा सॉरी जी हम बात करने जा रहे हैं वकस हिजड़े के बारे में। वकस हिजड़ा, आवाज तो ठीक से निकाल ले, ये रोस्ट वीडियो बना रहा है। आवाज का एनर्जी लेवल चेक करो। हत्थी लगाने के बाद सौदे की ऐसी हालत होती है, जब माँ बाप नशा करके करे ना तो फिर ऐसी औलाद पैदा होती है। आवाज निकल नहीं रही तेरी, खुल के बोल तू की भी चोरी जमे है, जो डर डर के बोल रहा है। भाई साहब का लेवल चेक करो कि वीडियो के कॉर्नर में अपने ही सब्सक्राइबर का स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है, वो भी एज ए लोगो। बेटा कुछ दो चार लफ्ज पढ़ लिए होते तो तुझे इतनी अक्ल होती कि कौन सी चीज कहां पर लगाई जाती है। अगर यही हालत रही ना तेरी तो तूने लड़कियों वाली क्रीम को शैम्पू समझकर सर पर लगाकर गंजा हो जाना है। वैसे तो ये अपने वीडियो में शेर बना रहता है, बट मैंने अपने फेसबुक पेज पर इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो डाला था। ये सुनके इसकी पटके हाथ में आ गई और इस बंदे ने मेरी वीडियो पे हरासमेंट का केस लगा दिया, क्योंकि इस बंदे के पास बोलने के लिए कोई शब्द था नहीं। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में। अबे सस्ते नशे के नतीजे, पहली बात मुझे तो पता भी नहीं था कि तूने मेरे पे एक रोस्ट वीडियो बनाई है। मुझे तो किसी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजी कि भाई इसने आपको रोस्ट किया है। दूसरी बात, खुद ईमानदारी से बता कि तेरी इस चुस रोस्टिंग को मैं रिपोर्ट करूंगा। ऐसी हजारों वीडियो भी बना ले मेरे एल पे है। बंदा तनु गोली ना मारे बल्कि गोली खा के तेरी मारे। बीसी इतनी तो तुम्हारे कंट्री में टॉयलेट्स नहीं होंगी जितनी तुमने इस एक वीडियो में गालियां दे रखी है। नहीं यार, इंडिया बड़ा एजुकेटेड कंट्री है। जी बड़ा एजुकेटेड कंट्री है। इतना एजुकेटेड है कि वहां उबर भी डॉक्टर्स चलाते है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं मिलती ना इन बेचारों को। यार वैसे एक बात पूछनी थी कि क्या वहाँ हॉस्पिटल में टॉयलेट्स हैं या मरीज भी खुले में हगने जाते हैं। वैसे तो इस भूतों वाले की वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि आज ना तो कल ये बड़े वाला हिंदुस्तान पर कब्जा कर ही लेगा। मगर जैसे ही बात आती है फेस रिवील की, तो इस वाले की अम्मी और बहन थ्रीसम में। काका मैं तो फेस रिवील कर ही दूंगा, लेकिन तुझे फेस रिवील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे जैसी शक्लें हकीम खाने के बाहर बनी होती है और नीचे लिखा होता है कि हमारे पास इस गंदी और गलीज बीमारी का इलाज भी मौजूद है। वैसे भी तूने अगर मेरा फेस देखना ही है तो अपने अब्बा के आईडी कार्ड पर जो फोटो बनी है ना वो देख ले। अबे शट्टों पे तेरे जैसी फिंसी निकलती है बंदे को। इसके सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो वकस मिर्जा रहे थे, क्योंकि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि भाई साहब क्या बोलते हैं। कुलविश यादव सन ऑफ अननोन यूजर्स, अननोन भी और मल्टीपल यूजर्स भी। अब वकस हिजड़े, अब स्क्रीनशॉट देख, क्योंकि तुझे मेरी बात पे तो यकीन होगा नहीं। ये देख कि गूगल पे साफ साफ लिखा है कि किसी। अबे इब्ने लोडू, लेवल तेरा ये है कि तुझे जोक्स में और साइंस में फर्क ही नहीं पता। अपनी इस साइंस की बत्ती बना और गांव में ले, रोस्ट वीडियो बना। काका ये साइंस क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया है, डिंगे लोग की पैदाइश। बीसी रोस्ट वीडियो में गेम प्ले का साउंड तक नहीं म्यूट कर सके ये भाई साहब। और आज की वीडियो यही खत्म नहीं होती है, आप ये क्लिप देखो जरा, क्या बकचोदी फैलता है अपनी वीडियो में। कार की पैदाइश, हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश पर जितना उतार कर फेंक देते हैं ना उतने की पैदावार हो तुम लोग। और जिस चीज की तू बात कर रहा है ना कि उतार के फेंक देते हैं, मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं कि वो हमारे यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलते हैं, डिब्बे के डिब्बे। अबे यार इसका लेवल चेक करो, जोक समझ नहीं आया। अब मैंने कहा कि हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश पर जितना उतार कर फेंक देते हैं उतने की पैदावार हो तुम लोग। पाकिस्तानियों को तो समझ आ गई, लेकिन इन्हें लगा कि मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। काका अगर मुफ्त मिलते होते तो तुम आज इस दुनिया में ना होते। या तो ये मुफ्त नहीं है या फिर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी बात सच होती तो तुम आज इस दुनिया में ना होते। तुझमें डर है या किन सेंस से? ओ क्या हाल है आप सबका? तो हाल ठीक है, सानू केड़ा वैगन वजी सी। तभी विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो वालों से टूट गया। ये न्यूज हम इंडियंस के लिए बहुत दुखदायक था, लेकिन वही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उर्फ भिकारिस्तान। लो जी इदी भी आवाज पार्टी जे, बाकी तो हर चीज फटी है ही, लेकिन आवाज भी फटी हुई है। ट्वीट करता है कि हमने अपने गरीब देश के 900 करोड़ रुपए लॉस कर दिए। हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मोदी ने खलाई मिशन पर गरीब कौम के 900 करोड़ रुपए फूंक दिए। हम गरीब कौम के, इनके पास गाय धोने के लिए पानी नहीं है। तो मेरी जान के प्यारे भाई, आपके पास तो हगने के लिए टॉयलेट्स भी नहीं है। फिर आप भाई इंडिया में रहने के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से एक फायदा ये है कि अगर आपको पीने के लिए पानी ना मिले तो आप गाय का मूत भी पी सकते हो। बेटा तू तो उस कंट्री से बिलोंग करता है कि जहां पे लोगों को खाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि हगना किधर है। इब्ने शट्टे, सीआईडी में लड़की का रेप होने के बाद तेरे जैसा बच्चा पैदा होता है। याद कर जब कोरोना में इस बाप ने रिलीफ मटेरियल्स ऑफर किया था। ये देखो, ये तुम्हारे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है यार।
ये इतनी कुछ फुद्दू कौम है कि वायरस आने पर ये लोग गाय का मूत पी रहे थे कि इससे कोरोना चला जाएगा और इन्हें चांद पर जाना है। यहाँ तुम गाय की टट्टी के साथ खेलो चांद पर, तुम्हारा क्या काम है भाई? मैं तो हैरान हूँ कि इंडियंस को चांद का पता है कि इसे चांद कहते हैं। नहीं मतलब इंडियंस तो चांद निकलने से पहले ही सो जाते होंगे ना, वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर धूप निकलने से पहले खुले आसमान के नीचे पटरी पर हगने के लिए अपनी जगह भी तो बुक करनी है ना, वरना लेट उठो तो इंतजार करना पड़ता है भाई। बड़े सख्त रूल्स हैं इंडियंस के। दुनिया जहाज का सफर ट्रैवल करने के लिए करती है और इंडियंस जहाज का सफर इसलिए करते हैं कि जहाज में टॉयलेट देखने को मिलेगी, और तो और टॉयलेट के साथ सेल्फी बनाकर वापस आकर अपने रूम में फ्रेम करके भी लगाते हैं। यहाँ हमारे कहा जाता है कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और बड़ी गाड़ी लेना बड़ा घर लेना, और वहाँ कहा जाता है कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और एक अच्छी सी टॉयलेट तो बनवाना। इस कौम के नजदीक एक गाय की जिंदगी इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम है भाई। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इनके अपने लोग कह रहे हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट सबसे बड़े क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म कोरा पर एक इंडियन ने लिखा है। एक इंडियन भाई साहब लिखते हैं, इंडिया इज अ फिल्थी स्टिंकिंग डिस्कस्टिंग इररिडीमेबल शिट होल, अ जोक ऑफ अ डेमोक्रेसी, अ फेल्ड स्टेट विद अ वर्किंग इकोनॉमी, पीपल आर किल्ड फॉर ईटिंग बीफ, पीपल आर ह्यूमिलेटेड बीटेड एंड किल्ड फॉर बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट, अ काउज लाइफ इज वैल्यूड मोर देन अ ह्यूमन। भाई इंसानियत के नाम पर गाली हो तुम लोग। यार आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो गौमूत्रा पार्टी। यार गौमूत्रा पार्टी ऊपर लिखा हुआ है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस। यार यार ये कौन लोग हैं भाई, ये दुनिया पे इतनी गंदगी फैलाई हुई है और इन्हें चांद पे जाना है। अबे सुबह हगते हुए क्या अक्कल भी हग आते हो पटरी पे अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वालों? अब इनके पास ना बस दो ही बातें हैं, एक ये कि हम बाप हैं इंडिया बाप है इंडिया बाप है, इसका तो जवाब मैं काफी दफा दे चुका हूं, और दूसरी बात इनके पास ये है कि भाई पाकिस्तानी बेकारी है। अबे गधे की जांड के बाल जाके अपने नान पीटीए अब्बा हरभजन सिंह से पूछ, जब वो पाकिस्तान आया था तो किसी एक पाकिस्तानी ने भी उससे शॉपिंग का एक रुपया तक नहीं लिया, एज ए गुड जेस्चर के एक गरीब मुल्क का बंदा आया हुआ तो अब उससे क्या पैसे लेने भाई। असल में पाकिस्तानियों को पता था कि अगर इससे पैसा ले लिया तो फिर इसके पास वापसी के टिकट के पैसे नहीं रहेंगे। वहां ट्रेन की पटरी पर इंसान हगते हैं और यहाँ पे कुत्ते। कुत्ते से मुझे याद आया कि मैंने ना हान सर पर भी एक रोस्ट वीडियो बनाई थी, तो वो भी जाके देखना। अब जब मैंने एलविश यादव को रिप्लाई किया तो वो वीडियो मिलियंस में गई, इवन उस वीडियो पर 1.5 लाख लोगों ने रिएक्ट किया। अब मैंने उस वीडियो में एक लाइन कही थी, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे कंट्री की जहाँ पटरी ट्रेन के लिए नहीं बल्कि हगने के लिए बनाई जाती है, जहाँ मोबाइल फोन ज्यादा और टॉयलेट्स कम है, कुछ गाय का मूत पीने वाले। तो मेरी इस लाइन को यूरोप की एक वेबसाइट में एज ए मीम यूज किया गया और इंडिया को ट्रोल किया गया कि भाई हाँ इंडिया में टॉयलेट्स कम और फोन ज्यादा हैं, और ये बात वाकई सच है। नियरली हाफ ऑफ इंडियंस 1.2 बिलियन पीपल हैव नो टॉयलेट एट होम बट मोर पीपल ओन अ मोबाइल फोन। उसके बाद यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 774 मिलियन पीपल इन इंडिया नाउ वेटिंग फॉर हाउस होल्ड टॉयलेट्स। उका तुम लोगों की इतनी है जितनी इंडियन मीडिया की बातों में सच होता है। अब इस वीडियो में अगला पूरे पाकिस्तान के बारे में बकवास कर रहा है। आओ आपको इसके नीचे ना एक पाकिस्तानी का कमेंट दिखाता हूँ, लव यू भाई मजा आ गया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अबे गधे के घोड़े तुम जैसे लानतियों पर बस लानत ही भेजी जा सकती है। तो ये भाई साहब कह रहे थे कि मैंने इसकी वीडियो को रिपोर्ट करवा के इसके पेज से डिलीट करवा दिया। तो यार अगर रिपोर्टिंग की बात करो ना तो मेरे पेज को इन इंडियंस ने रिपोर्ट कर करके इतना रिपोर्ट किया कि अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हो, बेटा तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम ही नहीं है कि बर्दाश्त कर सको बात को। तो यार पेज की नाजुक सूरत हाल है जानिस, तो मेरे से जुड़े रहने के लिए ना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको फेसबुक पर कमेंट्स में मिल जाएगा और यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट, लेफ्ट यू ब्लडी जैसे मेंसेस, फक अराउंड।